सियालकोट जैसे पुरतशद्दुद और बेईमाना वाकियात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। किसी फर्द या हुजूम को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तमाम मुजरिमों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में रियासत का दो टोक मौकिफ। श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर अफसोस का इजहार। पुरतशद्दुद वाकियात रोकने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल करने का आज़म। प्रियंका की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान की बहादुरी को सराहा गया। प्रियंका कुमारा का जस्ते खाकी कोलंबो पहुंच गया। श्रीलंकन हाई कमिश्नर कहते हैं पाकिस्तान ने फौरी एक्शन लिया, बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया, ताल्लुकात पर मनफी असरात नहीं पड़ेंगे, हम दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। इश्तियाल फैलाने और तशद्दुद करने के मजीद 8 अहम गिरफ्तार। मकतूल पर तशद्दुद और लाश की बेहरमती में मुलव्वस मरकजी मुलजिम इम्तियाज उर्फ बिल्ली भी पकड़ा गया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 131 हो गई। सियालकोट में बेमिसाल बहादुरी और शुजात का मुजाहिरा किया। मलिक अदनान बन गए वजीर आजम के मेहमान। आज PM हाउस में खसूसी तकरीब सजेगी, खिदमात को सराहा जाएगा। वजीर आजम पहले ही मलिक अदनान को तमखाए शुजात देने का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान के ये खिलाफ, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला। नाम न लिया, नवाज शरीफ पर मुल्क दुश्मन होने का इल्जाम लगा दिया। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग के खिलाफ तवले जंग बजा दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में बोले, नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी से हलका बंदियां की, हर जगह उनसे जंग लड़ेंगे। पंजाब में इलेक्शन जीतना पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं, हमारी अपनी कमजोरियां आड़े आती हैं। दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, हमने बचाने का अहद किया है। फैसला किया है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। पूरे मुल्क के कोने कोने से कौम इस्लामाबाद की तरफ आएगी। एक और मार्च और अब की बार महंगाई मार्च। मौलाना ने 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ महंगाई मार्च का ऐलान कर दिया। इस्तीफों का सवाल हुआ तो बोले, फैसला अपने वक्त पर अपनी मर्जी से करेंगे, मगर अंदर की बात समा के पास। PDM इस्तीफों पर मुत्तफिक ना हुई तो मौलाना ने PDM की सरबराही छोड़ने की धमकी दी। सवाल हुआ तो मीडिया से नाराज हो गए। मैं एक गुजारिश करूं, नाराज ना होना आप लोग, मैं आपकी मीडिया से एहतजाज करता हूं इस बात पर, आप गलत खबर चढ़ाई। एक जो रवैया मौलाना फजल रहमान का खसूसन रहा है, उन्होंने चूँकि वो खुद सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लिहाजा वो कोशिश ये करते हैं कि सिस्टम जो है वो ख़त्म हो ताकि उनकी कोई जगह बने। नवाज शरीफ, मरियम नवाज़, ये मौलाना फजल रहमान के साथ आपको इसलिए नज़र आते हैं, ये सिस्टम में नहीं है। मौलाना क्या चाहते हैं, वजीर इत्तिलात ने बता दिया, आप तो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, करारा तंज भी कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, PDM कई बार तारीखें दे चुकी, फिर बदल चुकी, अब भी ऐसा ही होगा। मौलाना हौसला करें और दाएं बाएं देखें, उनके साथ कोई भी नहीं। जराइम पर काबू पाने में नाकामी। शहर इक्तदार के IG की छुट्टी। काजी जमील रहमान को ओहदे से हटा दिया गया। एहसन यूनिस को इस्लामाबाद पुलिस का नया IG बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आपको 3 पैगाम है। सबसे पहले जो वजीर आजम ने नहीं कहा वो भी लोगों ने समझ लिया। आपने घबराना नहीं है का नारा लगा दिया। मुल्क के सबसे बड़े कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का इफ्तिताह। जिन्ना स्टेडियम में हजारों एथलीट्स का मजमा। इमरान खान ने कहा, खेलों से आप मुकाबला करना सीखते हैं, हार जीत जिंदगी का सबक है।
पाकिस्तान के नौजवानों, आपको तीन पैगाम है। हारने से दिल बर्दाश्त नहीं होते। जो सबसे बड़ी सिफत इंसान में है वो मुश्किल वक्त से घबराता नहीं है। आप हारते तब हैं जब हाथ खड़े कर देते हैं। जब तक आप हार से सीखते हैं, गलतियों का जायजा लेते हैं, फिर मेहनत करते हैं और फिर जब आप खड़े होते हैं पहले से ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। लोकल बॉडीज बिल बगैर पढ़े बगैर समझे हुए अगर कोई इतराज़ करे तो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। अगर सिर्फ इख्तलाफ बरा इख्तलाफ करना है, हम चाह रहे हैं कि आके बात करें और अगर कुछ बेहतरी आ सकती है उसमें बिल्कुल लाने के लिए तैयार हैं। पहले पढ़ें फिर एतराज़ करें, बल्दियाती बिल में बेहतरी लाने को तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध की पेशकश, एमकेएम पाकिस्तान ने बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने धरनों का इशारा भी दे दिया। ये पाकिस्तान दुश्मन जमात है, इसके लीडर ने मुल्क तोड़ा था, अब जेल भरो तहरीक करनी पड़ेगी। ये धरना देते हैं फिर अल्लाह मालिक है, गोलियां मारेंगे ज्यादा ज्यादा, दफनाते रहेंगे। महफिल सजी, रौनक लगी, सुर लगे, दाद मिली। शरीफ खानदान सिर्फ सियासतदान नहीं, अच्छा खासा फनकार भी है। बेटे का वलीमा है, पार्टी तो बनती है। मरियम ने सुर लगाए, हमजा ने जौहर दिखाए, शहबाज शरीफ और जुनैद खुद भी इससे पहले आवाज का जादू जगा चुके।